खरगोन जिला मुख्यालय की एक निजी कॉलोनी में बीती शाम को दो युवकों ने रेकी कर घर के बाहर खड़ी महिला से पता पूछने के बहाने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे दिया। निजी कॉलोनी में घर के बाहर तुलसी में दिया लगाने के दौरान महिला से बात करते हुए दो लोगों ने पता पूछने के बहाने महिला से बात की, जिसके बाद अचानक गले से चेन झपट कर फरार हो गए। पीड़ित ललिता महाजन ने बताया कि दो लड़के उनके घर के आसपास पहले से रेकी कर रहे थे, जहां उन्होंने पता पूछने के जरिए उनसे बात की और चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। महिला ने बताया कि तब वे घर पर अकेली थी। बाहर दीपक लगा रहे थे तो दो लड़के आए, वो दोनों इधर से तीन बार निकले, तीसरी बार में आके उन्होंने मेरे से पता पूछा। मैंने बोला आप क्या पूछ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इतनी सी देर में वो बाइक पे से उतरे और मेरे को अंदर से उसने गला पूरा बाहर खींच लिया और जैसे ही गला दबाया और मेरी चेन काट ली और एक बाइक पे बैठा था और वो लेके चले। उस वक्त आपके साथ में कोई भी नहीं था क्या? नहीं, मैं बहुत जोर से चिल्ले थे, ये लोग बाहर आए सामने वाले, मैं अकेली थी। तीन राउंड लगाए, पहले तो वो दोनों वहाँ खड़े हुए और फिर पलट के आए, मैं यहीं खड़ी हुई थी। आपको शंका नहीं हुई कि किसी नहीं, मैं बहुत लोग आते रहते पता पूछने के लिए, तो मैंने कहा किसी का पता पूछ रहे होंगे, तो उसने मेरे से बाइक पे से ही पता पूछा। मतलब आपका मदद करना आपको भारी पड़ गया? हाँ, और क्या, एक तो बाइक पे ही मतलब बैठा हुआ था, जैसे उसने चेन काटी और इधर से वो दोनों भाग गए। क्या हुलिया देखा आपने उनका? हाँ, उसने कुछ नहीं बांधा करा था। जिसने मेरा गला दबाया वो 25-26 साल का था लड़का, और पीछे जो गाड़ी चला रहा था वो थोड़ा सा बड़ी उम्र का। गाड़ी का नंबर कुछ देखा आपने? नहीं, उसने गाड़ी भी ऐसी आड़ी खड़ी करी हुई थी, तो मेरे को तो मतलब लगा कि मेरे से पता पूछ रहा है, मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया ना, और उसने मेरी पूरी गर्दन पकड़ ली बाहर। कितने तो लगी चेन थी? 2.5-3 तोले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्यवाही की जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला कांग्रेस नेता नरेंद्र गांधी की बहन है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये कल मुझे 8:20 के करीब सूचना मिली थी कि श्रीनाथ कॉलोनी है, वहाँ पे एक महिला की दो युवकों ने बाइक पे थे, जिनमें एक ने चेन स्नैचिंग कर ली और भाग गए। उस पर तत्काल सूचना पर मैं घटनास्थल पहुँचा और घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारी महोदयों को दी और पूरे जिले के शहर के नाकाबंदी करवाई। महिला श्रीमती ललिता महाजन जो ओल्ड एज में है और उनका बेटा है जो बाहर व्यवसाय के लिए गया हुआ था, बिजनेस करता है, तो 7:15 बजे के आसपास अपने घर के तुलसी जी के दिया लगा रही थी। उसी समय दो बाइक सवार आए, एक बाइक पे ही था और दूसरा उनके पास आया और कुछ अननोन टाइप बातचीत करके वो एड्रेस पूछने लगा, तो वो जैसे ही झुकी उनकी गर्दन पर हाथ पर लगाया और 3 तोले करीब की चेन छीन कर वो भाग गए। अभी लगातार तलाश उनकी जारी है और सीसी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। पुलिस इस प्रकरण में पूरी तरह लगी है। कोई संदिग्ध की पकड़ हुई? अभी कोई संदिग्ध नहीं आया। हम पिछले जो 5-10 साल का निकाले चेन स्नैचिंग का वो निकाल रहे हैं और जेल से भी कौन छूटे इस संबंध में भी जानकारी मिल जाएगी।